नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल टेक हर्ट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WhatsApp के होम स्क्रीन में अपना खुद का फ़ोटो कैसे लगाएं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं लड़की का फ़ोटो लगाकर रखा हूं अपने WhatsApp के होम स्क्रीन पर, वैसे ही आप भी अपना खुद का फ़ोटो लगा सकते हैं या अपने फ्रेंड्स का लगा सकते हैं या कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अगर आपको WhatsApp के होम स्क्रीन पर फ़ोटो लगाना है तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, यूसी ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र, और फिर गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है FM WhatsApp लेटेस्ट वर्जन, और उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पहले नंबर पर आ गया FM WhatsApp लेटेस्ट वर्जन 7.99। यहाँ पर FM WhatsApp 7.99 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आते जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। हम डाउनलोड पर क्लिक कर दिए हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर फिर से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, मेरा डाउनलोड हो गया है। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई कर लेना। चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है, फिर नोट नाउ पर क्लिक करना है। नोट नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर OTP डालकर वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ नोट नाउ पर क्लिक करना है। नोट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नाम डाल देना है। नाम देने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा WhatsApp ओपन हो गया। अब चलिए हम लोग फोटो लगाते हैं। फोटो लगाने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पहले नंबर पर आ गया फाउंड मोड्स। यहाँ आपको पहले नंबर पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ 4 नंबर पर यूनिवर्सल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। यूनिवर्सल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पहले नंबर पर आ गया कलर्स, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ आ गया बैकग्राउंड, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ फोटो पर क्लिक कर देना। फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ गैलरी पर क्लिक कर देना। आप जिस फाइल में फ़ोटो रखे हो उस फाइल को खोल लो और अपना मनपसंद फ़ोटो लगा सकते हो। तो चलिए मैं इस लड़की का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हम यहाँ से लड़की का फ़ोटो सेलेक्ट कर चुके हैं, और आपको जो पसंद हो आप वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ सेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ़ोटो सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना खुद का फ़ोटो सेट कर सकते हैं। वॉलपेपर लगाने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।